आज हम देख रहे हैं अपनी क्लास नंबर 21। तो हम इस फाइल को सेव एज कर लेते हैं और इसका नाम रख दें प्लाट 21। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इस क्लास में क्या सीखा था, हमने फंक्शन बनाना सीखा था। तो फंक्शन क्या होता है, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन के यूज़ सीखे, जिसमें आपने सम फंक्शन को देखा। सम फंक्शन क्या काम कर रहा था कि वो उसको प्लस कर रहा था, माइनस कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। ऐसे समय फंक्शन था, फिर काउंटिंग फंक्शन था, ऐसे डिफरेंट फंक्शंस थे। ये फंक्शंस ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पावरफुल बनाते हैं और यूज़र के लिए काम को आसान कर देते हैं। कैसे, देखिए, अगर सम इफ या सम फंक्शन ना हो तो एक्सेल में आप प्लस नहीं कर सकते। तो फंक्शन क्या करता है, हमारे जो काम है, यानी कि जो भी उससे हम कोई काम करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं और वो काम हम बार बार करना चाहते हैं, उसको एक कोड के अंदर हम बंद कर देते हैं और उसका नाम हम फंक्शन रख देते हैं। जैसे फंक्शन एक टूल बन जाता है। जैसे हम अगर किसी औजार की बात करें कि पेचकस एक टूल है, उसका काम क्या है, किसी भी चीज़ को टाइट करना, काटना, टाइट करना या लूज करना, वो एक फंक्शन का काम कर रहा है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी फंक्शन हम बनाते हैं और फंक्शन बनाकर हम उनको सेव कर देते हैं, ताकि जब हमें वो काम बार बार लेना हो तो हमें उनको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया था जिसका क्या नाम रखा था हमने, ADD के नाम से एक फंक्शन बनाया था। ये देखें आपके सामने एक फंक्शन हुआ। अब यहाँ पर टर्बो सी में दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन और दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जिनको हम UDF फंक्शन कहते हैं। अब UDF फंक्शन जो होते हैं, जो यूज़र अपनी आसानी के लिए डिफाइन करता है। तो इस प्रोग्राम में दो फंक्शन है, एक तो ये देखें मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन इसका खुद का ज़ाती फंक्शन है, ठीक है, जिसका नाम है MAIN मेन। उसकी ब्रैकेट स्टार्ट है, उसकी बॉडी में हमने कुछ कोड लिखा है। उस बॉडी में क्या कोड लिखा हुआ है, हमने एक मैसेज पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है रिजल्ट नाम का, और उसकी इनिशियल वैल्यू जो है क्या रखी है, 0। फिर हमने एक प्रिंट एफ करके एक मैसेज प्रिंट कराया, अंडरस्टैंडिंग फंक्शन। ये मैसेज हमारे प्रोग्राम में आउट होगा। और नीचे हमने यहाँ पर आपने नोट किया ADD लिखा है। ये एड क्या है, ये वो फंक्शन है जो हमने बनाया है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। और इसको हमने दो वैल्यूज़ पास की है, दो आर्ग्यूमेंट, एक 100 और एक 200, मतलब 100 और 200। अब ये फंक्शन जब यहाँ पे इस तरह से लिखा जा रहा है मेन प्रोग्राम के अंदर, तो इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे कॉलिंग द फंक्शन। फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को चलाना, फंक्शन को एग्जीक्यूट करना। फंक्शन को चलाना या एग्जीक्यूट करना, कॉल करना, इसका मतलब ये है कि फंक्शन काम करे। तो जब आपने लिखा ADD 100 और 200, तो ADD इनके ऊपर काम करेगा, लेकिन क्या काम करेगा वो भी हमने बताया हुआ है क्या काम करेगा। तो जब ये काम क्या करेगा, हमने काम इसका कहाँ बताया है, यहाँ पे कॉल करने से पहले हमने इस फंक्शन को एक जगह पे डिक्लेयर किया है और एक जगह पर हमने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। तो याद रखें, जब भी आप अपना ज़ाती फंक्शन बनाते हैं तो उसको डिक्लेयर कहाँ करते हैं, यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं मेन फंक्शन से पहले, मेन फंक्शन से पहले और हेडर फाइल के बाद यहाँ पर। तो देखें, मैंने ये जो फंक्शन बताया है इसकी भी टाइप है, और इसकी टाइप है इंटीजर। इसका मतलब ये फंक्शन नंबर्स को डील करेगा। फिर उसके बाद इस फंक्शन का मैंने नाम रखा खुद से, क्या नाम रखा है, ADD। फिर इस फंक्शन को मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, क्या पास किए हैं, दो आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कहते हैं वो वेरिएबल्स जिनके ज़रिए फंक्शन वैल्यूज़ लेकर जाएगा और उनको प्रोसेस करेगा। अब यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक इंटीजर ए, एक इंटीजर बी के नाम से। यहाँ आप किसी भी नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, एक्स वाई जेड या राशिद, काशिफ, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन मैंने दो नाम, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं क्योंकि मुझे इस फंक्शन को दो वैल्यूज़ को ही प्रोसेस कराना है, ठीक है। तो एक वेरिएबल पहली वैल्यू को लेके जाएगा, यानी कि इस 100 को इस वेरिएबल के असाइन किया जाएगा और ये 200 इस वाले वेरिएबल को दे दिया जाएगा, ठीक है। और आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइपिंग ऑफ अ फंक्शन, ठीक है।
अब मिसाल के तौर पे ये जो मैं बात कह रहा हूँ आपको याद नहीं हो रही, तो मैं इस प्रोग्राम में इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इस प्रोग्राम को इसमें इस तरह लिख सकता हूँ, कमेंट्स करके। कमेंट्स करने से मतलब ये होगा कि कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा, वो कमांड का हिस्सा नहीं होंगे, इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन समझाने के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो कैसे, डबल स्लैश लगाएंगे, यहाँ लिख देते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन या और प्रोटोटाइपिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो हम प्रोटोटाइपिंग भी कह सकते हैं और उसको डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं फंक्शन की। अब जितने हम फंक्शन चाहें यहाँ बना सकते हैं अपनी मर्जी। तो ये डिक्लेयर हो गए मेन से पहले, ठीक है। अब ये डिक्लेयर हो गया फंक्शन, अब ये फंक्शन काम क्या करेगा? ताजी बात है, फंक्शन हम बना रहे हैं तो इसका काम भी तो हमें ही बताना है। तो वो काम हम इसका बताएंगे, उसको हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। वो हम कहाँ बताएंगे, ये मैन की बॉडी स्टार्ट हुई, ये मैन की बॉडी एंड कहाँ हो रही है, यहाँ पर, ठीक है, ये एंड। अब मैन की बॉडी के बाद आप इसको डिफाइन करेंगे कि ये क्या काम करेगा। तो पहले आप उसी तरीके से जैसे आपने ऊपर लिखा था इंट एड और फिर ब्रैकेट में इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, दो वेरिएबल आर्गुमेंट के तौर पे इसको देंगे और फिर आप अपने फंक्शन की बॉडी बनाएंगे। इस बॉडी के अंदर आप क्या करेंगे, अब स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो ये फंक्शन काम करेगा, मतलब जो भी इसका फंक्शन होगा, जो भी इसके पर्पज रखते हैं, डेफिनेशन ये होगी ना, ये पूरी ये कहलाएगी ना डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, और बॉडी में अब इसको डिफाइन करेंगे कि ये फंक्शन क्या काम करेगा, इसका पर्पज क्या होगा, जब इस फंक्शन को चलाया जाएगा तो ये क्या करेगा। अब इस फंक्शन में आपने लिखा क्या है, ये काम ये कर रहा है कि आपने इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे तीन वेरिएबल और लिए जो कि इंटीजर टाइप के थे, जैसे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और तीनों की वैल्यू क्या असाइन कर दी, जीरो। ये मैंने छह स्टेटमेंट का काम एक ही लाइन में कर दिया और मैंने तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया और उनको असाइन भी कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी और भी वेरिएबल ले सकते हैं नाम से, लेकिन ख्याल करें कि वो वेरिएबल का नाम इस ए और बी वेरिएबल से मैच नहीं करना चाहिए। अब हम इनको कह रहे हैं क्योंकि ए और बी वेरिएबल वैल्यू लेकर आएंगे, कहाँ से लेकर आएंगे, मेन प्रोग्राम मेन फंक्शन में से, क्योंकि वहीं से हमने इस फंक्शन को दो वैल्यूज पास की हैं। देखें यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है ना, तो हमने कहा है एड ए और 100 को और बी को 200 पास किया, तो ए चला गया, ए के पास चला गया 100 और बी के पास क्या चला गया 200। तो ये दोनों के अंदर वैल्यू लेकर आएंगे 100 और 200। जब ये 200 वैल्यू लेकर आएंगे तो हमने कहा कि ए वेरिएबल से हमने ये कहा कि तुम अपनी वैल्यू किसको पास कर दो, x वेरिएबल, और b वेरिएबल को हमने क्या कहा, तुम अपनी वैल्यू किसको पास कर दो, y वेरिएबल को। तो जो अब a की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू हो जाएगी और जो b की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू। अब हमें क्या कराना था, इन दोनों को कराना था सम। तो हम कैसे सम कराएंगे इसको, हमने अगली लाइन पे इसको x प्लस y दोनों को सम किया और इन दोनों के जो आंसर आएगा वो हमने किसको दे दिया, z को। ये इस फंक्शन ने काम किया, अपने पास एक वैल्यू लाया, उस चीज़ को बना दिया, ठीक है। यूँ समझे, फंक्शन आपने एक और आदमी रख लिया जिसको ये काम दिया, उसने ये काम कर लिया। हाँ, अगर हमें माइनस करना है दोनों को तो हम माइनस लगाएंगे, अगर इन दो वैल्यू को जरब करना है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, और अगर हमें इनको डिवाइड करवाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे। अच्छा, मॉड्यूलस करना है तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो भी आंसर आएगा वो किसके पास चला जाएगा, जेड के पास। लेकिन आंसर यानी कि आंसर क्या है, एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन फंक्शन के अंदर रहा। अब सोल्यूशन जो अंदर रहा वो उसको फंक्शन को वापस भी तो देना है, मतलब फंक्शन, हाँ, जैसे फंक्शन एक बंदा था, एक काम लेकर आया, ला के उसने अपने कारीगर को दे दिया, कारीगर ने वो काम करके रख लिया। अब कारीगर का काम क्या है कि वो फंक्शन को वो काम दे उस बंदे को, ताकि वो जाके मेन फंक्शन को दे दे। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करेंगे रिटर्न, क्या रिटर्न, और जो आंसर है हमारा किसके अंदर, z के अंदर, तो हम आगे क्या लिख देंगे, रिटर्न z। अब रिटर्न z करेंगे तो जो इसके अंदर आंसर आया था z के अंदर वो किसको असाइन हो जाएगा, एड के पास आ जाएगा, किसके पास आ जाएगा, एड के पास आ जाएगा। अब जब एड के पास आ जाएगा तो एड यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो एड के पास आंसर आ गया 200 और 100 कितने हुए, 300। अब 300 एड के पास है, एड अपने मेन फंक्शन के पास पहुंचा तो उसने कहा भाई मैं आंसर ले आया हूँ 300। उसने कहा ठीक है, ये आप मेरे बंदे को दे दें।
मेरा बंदा कौन सा, मेन फंक्शन का बंदा है ये वाला रिजल्ट वाला वेरिएबल जो कि हमने जीरो वैल्यू पे सेट किया है, तो इसने आंसर लेके रिजल्ट को दे दिया। अब रिजल्ट के अंदर वो आंसर आ गया, तो अब प्रिंट एफ करके हमने लिखा सम ऑफ टू नंबर्स और परसेंट डी करके रिजल्ट की वैल्यू को आउट कर लिया। जैसे ही रिजल्ट की वैल्यू को आउट करेंगे तो आप नोट करेंगे आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 300। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं प्रोग्राम को, हम यहाँ पे 100 की जगह पे पास करते हैं 200, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारा फंक्शन काम कर रहा है। लेकिन इस फंक्शन को थोड़ा सा और एडवांस करें। एडवांस क्यों करें यार, ये तो यहाँ से वैल्यू सेट करनी पड़ रही है, ऐसा हो कि हम प्रोग्राम चलाएं और वो हमसे कहे नंबर पहला डालो दूसरा नंबर डालो तो हमें सम करके दे दे, तो हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मेन फंक्शन में दो वेरिएबल और ले लेंगे, एक इंट ए के नाम से और दूसरा इंट बी के नाम से, और दोनों को असाइन कर देंगे जीरो। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर ऑपरेंड या एंटर वैल्यू वन, ठीक है, और ये मैसेज प्रिंट करा देंगे और इसके नीचे स्कैन एफ कर लेंगे इनपुट लेने के लिए इंटीजर वेरिएबल में, और यहां पे परसेंट डी लगा के पहले वाले वेरिएबल के अंदर इनपुट ले लेंगे एड्रेस ऑपरेटर के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो दूसरे वाले वेरिएबल में इनपुट लेने के लिए हम क्या लिखेंगे, दोबारा से प्रिंट एफ लिखेंगे एंटर वैल्यू टू लिखेंगे और यहां पे क्लिक करके स्कैन एफ करके यहां पे एड्रेस ऑपरेटर के साथ इंट बी लिख देंगे। अब जैसे ही प्रोग्राम चलेगा, तो प्रोग्राम चलने के बाद ये देखिए हमारा प्रोग्राम चला, तो हमसे कह रहा है एंटर वैल्यू वन, तो हमने वैल्यू वन में डाला 66, अब कह रहा है एंटर वैल्यू टू, तो हमने यहाँ पे डाला 44, तो अब इनका आंसर आना चाहिए 100, तो आंसर क्या आ रहा है 400 आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है, फंक्शन सही काम नहीं कर रहा। तो क्या वजह हो सकती है कि फंक्शन क्यों सही काम नहीं कर रहा, देखें हमने मेन फंक्शन में दो बंदे खड़े किए कि भाई जो वैल्यू आए तुम लेना, एक इन पे को और एक इन पे को, वो ले रहे वैल्यू, लेकिन हमने उन दोनों बंदों को मेन फंक्शन से मुतारिफ तो कराया और ऐड फंक्शन से तो मुतारिफ कराया नहीं, तो कैसे मुतारिफ कराएंगे इससे। अब हम कहेंगे ऐड तुम 200 नहीं लेके जाओगे, तुम लेके जाओगे वो वैल्यू जो तुम्हें मेरा ये वाला बंदा देगा, और दूसरी वैल्यू वो लेके जाओगे जो तुम्हें मेरा ये वाला बंदा देगा, यानी कि ये वाला वेरिएबल देगा। अब समझ में आ गई ना भाई, अब वो वैल्यू तो ले रहे थे लेकिन दे नहीं रहे थे, अब जैसे ही वैल्यू लेंगे वो ऐड फंक्शन को देंगे, ऐड फंक्शन अपने ए और बी को देगा, ए बी अंदर लेके जाएंगे, वो एक्स और वाई को देंगे, वो उधर उनको प्लस करेगा, वो उनको जेड को देगा, जेड वापस उसको ऐड को देगा और ऐड लगे रिजल्ट को देगा और हमारा आउटपुट परफेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अब नोट करें, तो कह रहा है इंटर वैल्यू वन, हमने कहा 66 और उसने कहा 44, आंसर आ गया 110, सही। अब हमारा फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, और यहाँ पे हम लिखते हैं 300, 200, तो आंसर सही कर रहा है 500 हो गया है ना। तो ये देखिए अब हमारा फंक्शन जो है इस तरह से काम कर रहा है कि जो हम इसको इनपुट दे रहे हैं वो इसमें काम कर रहा है। अगर हम इसको तीन स्टेप में बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब तीन वैल्यूज डालें और तीन वैल्यूज को प्लस करें, या चलो अभी थोड़ा सा उसको देखते हैं, अगर हम इसको माइनस करवाना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना है, सिर्फ नीचे जाके अपने मेन फंक्शन में यहाँ पर एक गियर निकाल के प्लस वाला कौन सा गियर डाल देना है, माइनस वाला गियर डाल देना है। अब कंपाइल करें प्रोग्राम को, देखें खुद ही रिजल्ट ये आपको सही देगा, 500 माइनस 200 क्या आंसर आ गया 300। अगर हमें इसको मल्टीप्लाई कराना है तो यहाँ पे ये चीज निकाल कर आपने सिर्फ इसको ऐड कराना है और इसको यहाँ पर रन कराना है, हमने लिखा 2 × 5 क्या आंसर आ गया 10 आंसर आ गया। अगर हमें डिवाइड करना है तो हमें सिर्फ यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाना है, तो हमने यहाँ पे लिखा सपोज टू बी 33 / 3, तो आंसर क्या आना चाहिए 11, तो देखिए इस तरह से आंसर आ गया। अगर हमें मॉड्यूलस मालूम करना है, मॉड्यूलस क्या होता है, जब डिवाइड करते हैं तो दो आंसर आते हैं, एक आंसर होता है और एक रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर मालूम करने के लिए परसेंट का साइन लगाएंगे और यहां से अब रन करेंगे अपने इसको, तो हम कहते हैं 33 / 3, तो अब आंसर क्या आना चाहिए, पहले 11 आया था अब क्या आना चाहिए 0, रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना, 3 × 3 = 3, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। इस ऑपरेटर को हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर कहते हैं मॉड्यूलस,
इसको लिख रहा हूं मैं मॉड्यूलस, या शॉर्ट फॉर्म में मॉड ऑपरेटर कहते हैं। ये हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, तकसीम के बाद जो होता है वो हमें ये रिटर्न करता है। तो इस तरह देखिए हमने अपने फंक्शन को भी थोड़ा सा एडवांस कर लिया और हमने रिकॉल भी कर लिया फंक्शन को। तो अब ये देखिए फंक्शन जब भी हम बनाते हैं तो हमारे प्रोग्राम में पहला स्टेप होता है फंक्शन की डिक्लेरेशन। क्या होता है? जिसको हम डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं और प्रोटोटाइपिंग ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं। दूसरा स्टेप होता है डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, जो कि हम मेन फंक्शन के बॉडी के बात करते हैं, ठीक है। और फिर उसको फंक्शन की जो भी बॉडी बनाते हैं उसके अंदर उस फंक्शन का काम लिखते हैं कि वो काम क्या करेगा। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है फंक्शन को कॉल करने का होता है, जिसको हम कहाँ कॉल करते हैं? मेन प्रोग्राम के अंदर, सही है। इसको हम कहते हैं कॉलिंग द फंक्शन, इस स्टेटमेंट को। तो फंक्शन फिर काम करता है, एक तरह का ये बन गया। लेकिन कंप्यूटर में चलेगा अभी बताता हूँ उसके बाद।